ये सवाल तो काफी छोटा है। वन से टू तक अंडर रूट एट अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस एट प्लस रूट एट, इसको सॉल्व करना है। ठीक ठीक। है, तो ऐसे सवाल जब भी दिखते हैं तो इसमें थोड़ा ड्रॉर से सोचो, लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम। तो मैंने माइनस तो फिर वो वही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। हाँ बस ये समझना है, तो इसको मैं आई मान लूँ, हाँ तो जहां पर एट है वहां पर दोनों लिमिट का सम माइनस एट से रखते, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री माइनस एट्स ऊपर, नीचे ये एट्स बनेगा और ये थ्री माइनस एट्स बनेगा, एट्स टी जो रखते तो। अगर दोनों को जोड़ दें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर भी वही चीज आ जाएगी, खाली डी एट्स बचेगा, वन आ जाएगा, तो आई हाफ। तो केवल प्रॉपर्टीज की मदद से हमने बता दिया कि इंटीग्रेशन की वैल्यू हाफ। हाँ, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्रॉपर्टीज के साथ ही क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन इंडेफिनिट में आफत हाँ है ना, वहां आपको पूरा करना ही पड़ता है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास 0 से लेकर पाई बाय 2 तक लॉग ऑफ टेन एक्स, ये सवाल है, काफी आसान सवाल है। मैं सॉल्यूशन में भी मानते हुए से आई लिख दे रहा हूं, तो क्या करना हुआ, जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ 10 पाई बाय टू माइनस एक्स, तो फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय टू लॉग ऑफ कॉट एक्स डीएक्स। ठीक अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं बहुत बढ़िया। तो हमें मिलेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय टू लॉग ऑफ 10x इंटू लॉग ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, और 10x कॉट एक्स कट होके 1 यानी टेनेक्स 0। प्लस प्लस लॉग ऑफ अब क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो लॉग ए इंटू बी होगा, तो लॉग टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो वापस में टेंसिल वन आ जाएगा, लॉग वन, और लॉग वन 0 होता है तो पूरा इंटीग्रेशन ही 0 है। तो काफी फेमस क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई टू तक लॉग टेन एट्स या लॉग कॉट एट्स अगर हो, जबकि लॉग साइन एट्स में उतनी मेहनत थी, साइन और क्रॉस में, टेन और कॉट में ये हालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन एट्स, इसे करना तो क्या करें, हेलो मेरी आवाज आ रही है, तो हम इसे आई मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस
टेन एक्स टी जो पाई बाई फोर माइनस एक्स, यहाँ पाई बाई फोर है इस बार, तो ये जीरो से पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर, तो टेन ए माइनस बी टेन पाई बाई फोर वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो जीरो से पाई बाई फोर अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो टेन एक्स कट जाएगा टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स टी एक्स, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर लॉट टू टी एक्स माइनस जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स, तो लॉग वन प्लस टेन एक्स दोबारा आई हो गया, तो आपके पास आई इक्वल टू ये पाई बाई फोर ही आ जाएगा लॉग टू माइनस आई, तो उधर ले जाइए टू आई इक्वल टू दिस, तो आई इक्वल टू आ जाएगा, ये हो गया क्वेश्चन।